सड़क सुरक्षा माह का हुआ शुभारंभ। पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी ने सड़क दुर्घटना में घायलों को बचाने वालों को सम्मानित करने के लिए कहा। यदि किसी घायल को किसी व्यक्ति ने अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई है तो प्रशासन उस व्यक्ति को सम्मानित करेगा। यहां बताते चले कि 18 जनवरी से 17 फरवरी तक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ हो चुका है। इस अवसर पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा लोगों को शपथ दिलाकर सड़क सुरक्षा का पालन करने तथा पालन कराने की अपील की गई। वहीं पुलिस अधीक्षक श्री जयप्रकाश और जिलाधिकारी श्री पुलकित खरे द्वारा बताया गया कि सड़क दुर्घटना के समय घायलों की मदद करने वालों को प्रशासन सम्मानित करेगा और कहा कि सड़क दुर्घटना में घायलों को की जान बचाने वाला मसीहा होता है, उनका सम्मानित होना परम आवश्यक है। ऐसे लोगों को प्रशासन द्वारा सम्मानित किया जाएगा। पीलीभीत से रिंटू वर्मा की रिपोर्ट। होती है तो राह चलते आदमी जो है उस घायल आदमी को बचाने के लिए डरता है, क्योंकि वो ये जानता है कि हम इस घायल आदमी को बचाएंगे, पुलिस हमसे सवाल जवाब करेगी, हमारे ऊपर कुछ एक्शन ले लेगी। ये धारणा लोगों में बनी हुई है। इस संबंध में आप क्या लोगों को सूचना देना चाहते हैं? देखिए, लोगों को इस धारणा को तत्काल त्याग देना चाहिए। किसी की जान बचाने से ज़्यादा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता, और सभी पुलिसकर्मियों को और सभी थानों को स्पष्ट निर्देश है कि जो लोग ऐसे लोग हैं सड़क पर कोई दुर्घटनाग्रस्त है उसको उठा के अस्पताल ले जाते हैं, जान बचाने का प्रयास करते हैं, उसका विवरण अलग से रखें और उसको थाने पर बुला के सम्मानित करें। ऐसे लोग तो देवदूत की तरह हैं हमारे लिए। उनसे पूछताछ करने, उन्हें उत्पीड़ित करने की बात ही अलग है, और ऐसे लोगों को पुलिस सम्मानित करेगी, उनसे पूछताछ करने की बात तो दूर की समझ। हम लोग सम्मानित करेंगे ऐसे लोग, तो समाज के लिए बहुत अच्छे लोग हैं, और ऐसे लोगों की पहचान कर हम लोग इस माह में भी सम्मानित करने वाले हैं, जिससे लोगों को मैसेज जाए कि इससे अच्छा कोई काम नहीं है दूसरे की जान।